अब जो भक्त आत्माएं आते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ये भी हमारा एक यज्ञ होता है। और इसके अंदर आधीनी आती है। केवल देखम देखा दंडवत प्रणाम करने से लाभ नहीं होगा, हृदय से प्रणाम हो। जय गोपाल दंडवत करे पैरों पर प्रणाम, दुआ करो दिल पाके से ये असला असल सलाम। चाहे तो आप तय जय बोलो, जय 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 बोलो है, और चाहे राम राम प्रणाम करो, लेकिन दंडवत प्रणाम करो। यदि आपके हृदय से, आप हृदय से नहीं कर रहे हो, हृदय से करने वाला जो कति सच्चे दिल तेनु कसक के साथ प्रणाम करते हैं, वो असला असल प्रणाम, उसका आपको लाभ मिलता है। जैसे जय गोपाल दंडवत करो पैरों पर प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से ये असला असल सलाम। दिल पाक से, पवित्र हृदय से, दिल पाक माने पवित्र हृदय से दुआ करो। प्रणाम करते समय दुआ करो, प्रभु चरणों में रखना, हे परमात्मा आपके तो यहाँ से पीछा छुड़वाना, बहुत गंदा लोक है, या ना जाने कब कौन किसकी के मृत्यु हो जावे, ना जाने के बिजली गिर जा, कोई बीमारी हो जा, कोई और समस्या आ जा, पता नहीं, एक सेकंड का भी ना भरोसा इस गंदे लोक में रह रहे हम अपने सतलोक को छोड़कर। हे प्रभु अब के फिर पुनर्जन्म ना हो इस गंदे लोक में, या तो हाहाकार मची हुई है या कोई प्राणी सुखी नहीं है। और दंडवत प्रणाम का मूल उद्देश्य होता है, एक तो इससे पुण्य यह है कि आपको एक यज्ञ का फल मिलता है, एक यज्ञ का फल मिलता है, और दूसरा यह कि हमारे अंदर आधीनी विनम्रता आती है जो प्रभु को पसंद है। यदि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, हमारे अंदर आमाकड़ पाने हैं, ऐसे ही रहेंगे तो परमात्मा को पसंद नहीं है, परमात्मा हमारे को नहीं मिल पाएगा, और मिल गया तो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि चुंबक के बीच में जरा सा भी मैल आ जाए तो वो लोहे को ग्रहण खींचता नहीं। तो हमने अपना पूरी सफाई करनी है। आधीनी आती है दंडवत प्रणाम करने से, और दंडवत प्रणाम करने के बाद करते रहने से भी फिर भी नो के नो मनमाकड़ है, तो वो दिल पाक से नहीं की उसने, उसका पुण्य नहीं मिलेगा। तो दुआ करो दिल पाक से असला असल सलाम।